हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट डेट्स का क्या कंसेप्ट होता है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन सा चीज़ लिखते हैं तो एरर शो करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। और अभी हम देखने वाले हैं लॉन्ग डेट्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में लॉन्ग डेट का क्या फॉर्मेट होता है, उसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले देखते हैं कि जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है इसका, ये होता है MMDD और 4xY। ठीक है, लेकिन इसको और भी किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको हम चलिए देखते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा HTML जिसका हमने एग्जाम्पल पिछले वीडियो में देखा था शॉर्ट डेट्स के बारे में, तो इसको क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, इसी को एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, इस तरीके से मान लिए लेते हैं ऑक्ट, उसके बाद मतलब कि हमने MMM वाला फॉर्मेट ये होता है। इसके बाद हम मंथ हो गया, हम डेट लेते हैं, मान लीजिए आज का डेट 29 और उसके बाद 2019। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर तो देखिए हमारा डेट आ गया आज का। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट सही चल रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, चल जा रहा है सही से। इसको हम इस तरीके से भी चल कर सकते हैं, इसको 29 यहाँ से रिमूव करके स्टार्ट में भी ले सकते हैं, ये भी चल जाएगा। लेकिन एक्चुअल जो फॉर्मेट था अभी इससे पहले हमने देखा था वो था, इसको भी हम करेंगे तो ये भी हमारा चलेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि हम इसको हटाकर यहाँ पर OCTO ईयर अक्टूबर 29 इस तरीके से भी कर देंगे, इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये भी चल रहा है। मींस कि पूरा मंथ का नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर कॉमा लगाते हैं तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। कॉमा लगा दिया हमने, यहाँ भी कॉमा लगा दिया, इसको सेव करते हैं, तब देखिए आउटपुट तब भी चल गया। मींस कि इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा लॉन्ग डेट का फॉर्मेट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम इसलिए छोटे छोटे चंक में वीडियो बनाते हैं ताकि एक एक कंसेप्ट एक एक वीडियो में, ताकि आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको लॉन्ग डेट सर्च करना है तो अगर यही वीडियो आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग डेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर शॉर्ट डेट देखना होगा तो दूसरे वाले वीडियो में देख लेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारा अगर डाल देते हैं तो आपको चला चला के देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मेट का वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।